देखो आगे अभी CGL 2022 का एग्ज़ाम होना है दिसंबर के महीने में। अभी एक हफ्ते बाद आपका Tier 2 का जो मार्क्स है वो आएगा, रिलीज करेगा SSC। और रोज़ आप अलग अलग वीडियोस देखोगे कट ऑफ के रिगार्डिंग, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो नहीं मानती है, और उल्टे सीधे कमेंट लोगों के वीडियोस में जा करके आपस में ग्रुप में भी कि कोई कह देगा कि इतने पर ये मिलेगा उतने पर ये मिलेगा, आपस में रोज़ लड़ना। तो इसीलिए थोड़ा मैं डेंसिटी पर अभी बात कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, बिकॉज अभी आने वाला टाइम जो आपका है वो आप बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले हो। 10-15 दिन आप इसी में उलझे रहोगे, और जितनी जल्दी होकर के इसे निकल करके आप आगे की तैयारी पर लग जाओ वो उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इनसे कुछ भी हासिल होना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि CGL 2021 में ऐसी पोस्टें आपको मिलेंगी जो आपको फिर आगे प्रिपरेशन करने के लिए वो बढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो इसलिए आप ये जो चीज़ें इसे जितनी देर निकल पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। डेंसिटी की बात मैं पूरा अभी कवर कर रहा हूँ, पहले हम एक थोड़ा एक पॉइंट देख लें। मार्क्स जो कट ऑफ की जो वो आया है, राइट अप आया है, उसको देखकर कई कैंडिडेट है जो तैयारी छोड़ने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि इतना कट ऑफ पता नहीं क्या होगा। देखो यार, आपको बता दूं कि जो तैयारी छोड़ने के लिए सोच रहे हो कि आप तैयारी छोड़ के तो चले जाओगे या SSC को छोड़ करके आप निकल जाओगे, लेकिन SSC आपके अंदर से नहीं निकलेगा। बहुत दिन तक आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि कहीं भी आप कुछ भी करोगे आपको लगेगा कि काश एक अटेम्प्ट दे दिया होता या इतना प्रिपरेशन किया ही था तो ये वाला आप दे दो। फॉर्म देखोगे तो आपका मन करेगा, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप घुस जाते हो, आप निकलना इम्पॉसिबल, असंभव सामान के चलो आप, इसको वापस लौटने का कोई सवाल नहीं। और आप छोड़ के करोगे भी क्या, देखोगे तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। दूसरा ये कि यार देखो, जिसने भी तमीज़ से तैयारी करी है, मैं देख रहा हूँ, मैं खुद इसमें काफ़ी टाइम दिया हूँ और बाकी कैंडिडेट से भी जुड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एक दो बार में सिलेक्ट हुआ, सब ने वो मेंटल टॉर्चर झेला है, सब ने वो लंबा इंतजार वेट किया। CGL 19 देखो अभी तक ज्वाइन नहीं रुकी, हमारी खुद की नहीं रुकी, वो रुकी हुई थी। तो यार ये चीज़ तो है कि सबका एक बुरा फेज गुजरता है SSC में, लेकिन एक जो चीज़ है मैं अभी तक आपको बता पाऊँ कि यार SSC में अगर आपने तैयारी करी है, टाइम सही से दिया है आपने, तो आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। इस बात को आप कहीं लिख के रख लो, आप एक ना एक पोस्ट आपको ज़रूर मिल जाएगी, आप भले लास्ट अटेम्प्ट में हो, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। अब हम थोड़ा बात करते हैं पहले 570 वाली बात। जब कल राइट अप आपका आया तो मुझे पता रहता है कि आप तुरंत चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो। लास्ट ईयर जो कुछ भी रहा था राइट अप, उसके बेसिस पर फाइनल लिस्ट से जो भी कंपैरिजन था उसको मैंने बना करके आपको कल रात को वीडियो मैंने बना दिया था, अपलोड सुबह हुआ है आपका। लेकिन कट ऑफ जो है जो देखने पे लग रहा था वो 570 पहुंचा आपका, राइट। और आपने भी देखा कि लास्ट ईयर से कंपेयर करने पर नंबर 570 जा रहा है जनरल के लिए, जिस पर कोई एक पोस्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो पहले हम 570 वाली बात समझते हैं। देखो अगर 570 जा रही है अगर सब मिला करके, तो इसका अगर मान लो हम एक वो समझते हैं कि कितने नंबर चाहिए इसके लिए, तो कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट एक्स है, तो उसको मान लेते हैं Tier 1 में 170 लाता है, मैथ्स और इंग्लिश में भी 170 लाता है, तब मिला करके तीनों इसके 510 बन रहे हैं। अगर वो Tier 3 में 60 नंबर लाता है तब कहीं जा करके उसके 570 बन रहे हैं। और इस पोस्ट पर उसको एक पोस्ट 2400 ग्रेड पे की बात हो रही है, अब बाकी आगे 4600 ग्रेड पे 20 नंबर और लगा लीजिए आप, उसके बाद दिल्ली की पोस्ट है, तो यार कहाँ जा कर रुकेगा। आपको भी ये चीज़ समझ में आएगा कि ये सच में बहुत ज़्यादा है आपको। दूसरा कई सवाल आपके उठेंगे, दूसरा सवाल उठेगा कि Tier 1 में 170, 130 तो कट ऑफ गई है, 150 वाले जो रहते ज़्यादातर वही लोग रेस में रहते हैं, 150 से ज़्यादा ऊपर वाले, तो यार 170 ये भी आपको एक अजीब सा लगेगा। आपको लगेगा चलो 150 लाया वो मैथ्स में कवर कर लेगा, तो फिर 190 मैथ्स में करना पड़ेगा और 190 बहुत ज़्यादा लोगों को कवर करना पड़ेगा, ये भी आपको चीज़ समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का पेपर इतना आसान नहीं था कि सब 180 करके ले, और इंग्लिश में हाथ ढीला रहता ही है SSC के कैंडिडेट्स का। अगली बात करें हम Tier 3 का, तो Tier 3 में आपने देखा था कि यार 50 से 60 का रेंज रहता है, तो सभी के 60 नंबर भी लाना, तो यार ये सब चीज़ें जो फैक्टर्स है कहीं ना कहीं आपको 570 जो कट ऑफ जा रही है लास्ट ईयर से कंपेयर करने पर वो सोचने पर मजबूर करता है। चलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि डेंसिटी की क्या चक्कर है, और क्या ये पहली बार ऐसा देखने को जो मिल रहा है, क्या ये सच्चाई क्या है, क्या रियलिटी है, और अभी Tier 2 का राइट अप आएगा तो हम और अच्छे से बात करेंगे। देखो अभी क्या है कि जब Tier 2 का पेपर आपने दे के आए थे मेंस के बाद, तो सर्वे करवाया गया, आपसे फॉर्म भरवाया गया कि आप बताइए कि कितने नंबर आपके बन रहे, तो जो कुछ भी लग पाया, कुछ 7-8 हज़ार लोगों ने जो भी डेटा दिया, तो यही निकल के आया, सब तक पहुँच चुका था ये चीज़ें कि UR में 320 के आसपास मैथ्स और इंग्लिश मिला करके बन रहा था, OBC में 305, EWS 310, SC 265 और ST 245 के आसपास लोगों ने कमेंट करा मार्क्स की मेरे इतने बन रहे हैं। Tier 1 का कट ऑफ देखोगे तो भी नॉर्मल रहा है, CGL 20 का, UR का 132, EWS का और SC ST का देखोगे तो
18 और 19 के कंपेरिजन में काफ़ी गिरा आपका। और दूसरा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये वाला जो कट ऑफ है आपका बहुत हद तक सीजल 2020 से मिलता हुआ है, और ये वो कट ऑफ 478 यूआर की, ये कट ऑफ आपने देख रखी है, इसको भी एक बार नज़र रखिएगा। फिर हम बात करेंगे डेंसिटी के रिगार्डिंग। चलिए, ये जो कट ऑफ आप देख पा रहे हो अगली स्लाइड में, ये आपका सीजल 2020 का डीयर टू का राइट है। इसकी भी थोड़ी ज़रूरत पड़ सकती है आपको इस चीज़ों में, इस वीडियो के अंदर, तो वो मैंने इसको इसमें लगाया हुआ है, आपको भी समझाता हूँ किस लिए लगाया है। थोड़ा हम डेंसिटी का रोल देखते हैं इस बार। देखिए, अगर मैं यूआर की बात करूँ तो 150 मार्क्स अगर टीयर वन में है तो देखा गया कि 150 से जो ज़्यादा कैंडिडेट पाए जाते हैं मार्क्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि 150 से कम वाले भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भीड़ रहती है 150 से ऊपर वाले जो जनरल वाले हैं वो ठीक स्कोर कर लेते हैं मैथ्स में और इंग्लिश में। तो टीयर वन का अगर हम 150 पकड़ लें, और हमने जो देखा था एवरेज मैथ्स और इंग्लिश का 320 पकड़ लें, और जो रॉन्ग क्वेश्चंस बढ़ के आ रहे हैं ज़्यादातर 10 से 12 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये सब मिला करके टीयर टू तक 480 नंबर बन रहा है आपका, जो आप यहाँ राइट अप में देख पा रहे होंगे यहाँ पर 478 के आसपास यूआर का। अब आपको यहाँ पर ज़रूर ये चीज़ लग सकता है कि आपने जानबूझ के सेट किया होगा 478 लाने के लिए। देखो, चीज़ें हैं, आप सब लोग अपने अपने एंड पर अलग अलग सोच थॉट रखते हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी एक चीज़ है, आपको भी ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि सर्वे वाली बात भी ठीक है और 150 वाली बात भी जो आपकी है वो ठीक है, और 10 नंबर बढ़ रहे हैं, ये भी बात आपको मानने की पड़ेगी कि यार ये चीज़ भी हो रहा है साथ में। देखिए, हुआ क्या है, इस बार जो मैथ्स का पेपर हुआ था उसमें एक पर्टिकुलर कैंडिडेट, मतलब एक बड़ी संख्या जो है आपकी, वो मैथ्स में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट, मतलब सही करके आ गई है। यूँ समझिए कि जैसे 85 सवाल जो है वो ढेर सारे लोगों ने सही कर दिया आपका, ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि जो 480 से जो 500 का रेंज है, ये वाला जो रेंज है आपका, इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आपके ज़्यादा हैं, और ये जो 480 से जो 500 का रेंज है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैथ्स के पेपर की वजह से है। मैथ्स के पेपर में 160 से 180 का जो वेरिएशन है वो आपको देखने को मिल रहा है, और वो बड़ी पब्लिक है जो ये कवर करी है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत कम मार्जिन पर आपका जो होगा चीज़ें बदलेंगी आपकी, तो इस वजह से आप देखोगे कि 480 से 500 का जो रेंज है मार्क्स का, वो आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आपको देखने को मिल सकते हैं अच्छे खासे। अगर आप टीयर टू का राइटअप देखोगे तो जो 478 कट ऑफ गई है उसमें अगर हम बात करें कि कितने कैंडिडेट रिज़र्व कैंडिडेट भी सेलेक्ट हुए, तो अगर आप इनकी संख्या देखोगे तो 2500 के आसपास EWS है, 500 के 450 के आसपास SC है, OBC है, और ये सेम लगभग आपको ऐसा ही कुछ इसमें भी देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे वाला डेटा कट गया आपका, CGL 2020 का ये है, तो उसमें भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट लगभग सेम है। तो टीयर टू का जो राइटअप है यूआर तक का, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं कैटेगरी वाइज, बट प्रॉब्लम यहाँ हुई है कि जो टीयर टू का राइटअप है उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट 20 नंबर के अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर संख्या ज़्यादा उनकी। गैप डिफरेंस की अगर हम बात कर ले, देखो यार, जो ये गैप आपका दिख रहा है कैंडिडेट्स का, इसकी वजह से क्या है कि आपको पोस्ट के बीच में गैप डिफरेंस बहुत कम देखने को मिल सकता है, राइट। पहला चीज़ तो ये समझ लीजिए। दूसरा ये है कि टीयर थ्री यार डेफिनेटली बहुत रोल प्ले करेगा, अगर कोई 500 पर ही है और दूसरा कैंडिडेट भी 500 पर है, उसके अगर 60 आते हैं, उसके 50 आते हैं, तो वो 2800 से 2800 पर मूव करेगा, उसमें कोई वो नहीं है। कैटेगरी के बीच में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बिकॉज 478 जो कट ऑफ गई है उससे ऊपर कैटेगरी वाले भी सिलेक्टेड ठीक ठाक बच्चे हैं आपके, तो वो भी मैटर करेगा कि कट ऑफ का जो कैटेगरी वाइज जो गैप रहता है वो भी आपको वेरिएशन देखने को मिल सकती है। अब हम डेंसिटी के बेसिस पर अगर आप कट ऑफ देख लें थोड़ा सा, तो बस मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि यार देखो, ये चीज़ें ठीक है, हम लेके चल रहे हैं डेंसिटी और ये होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्या करिए कि जब तक टीयर थ्री का राइटअप नहीं आएगा, आप अपनी एनर्जी जो है पढ़ाई पर लगाइए, सीजीएल 22 पर लगाइए, ये ठीक है, हो जाएगा। 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे लेकर के भी आपको आगे देनी ही है, 4600 भी अगर साउथ मिलता है तो भी देना पड़ जाएगा आपको, तो इसलिए आप अपने आगे की प्रिपरेशन पे रखिए। और टीयर थ्री का हमने जो एवरेज लिया वो 50 ही मान के चल रहे हैं, बिकॉज कुछ कह नहीं सकते, आपको लगेगा कि यार 60 तो मेरे आ ही जाएंगे, लेकिन रियलिटी आपको पता है, आपको लग रहा था कि मैथ्स में भी इतने आ जाएंगे पेपर जब देख के आए थे तब, और जब आंसर किया है तो आपको मालूम चला कि कितने नंबर सही में आए। तो 500 से 510 वाले जो रहेंगे उनके लिए एक फेयर होप है आपका एक पोस्ट लेने के लिए। तो मेरे हिसाब से देखो यार, अब ये जो रेंज है आपका डेंसिटी वाला अगर बात है,
जो कि ठीक लग रहा है, बिकॉज 570 आपको भी समझ में आया क्यों नहीं पॉसिबल है। तो यार इस रेंज में कटअप कहीं गिर सकती है यू आर ओ बी सी ई डब्ल्यू एस एस सी एस टी का। हो सकता है कि जो गैप आपको यू आर और ओ बी सी के बीच में 15 नंबर का दिखता था वो 10 नंबर का ही देखने को मिल जाए। बाकी एक सब कुछ एक रफ एस्टिमेशन है, बहुत ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको हाइपर होने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप अपना प्रिपरेशन पे फोकस करिए, अपने सारे सवाल कमेंट सेक्शन में डालिएगा और ट्राई करूँगा यार कि जितना कुछ हो पाए आपका रिप्लाई करूँ। सब्सक्राइब करके रखिएगा यार, ठीक है।